आज की इस वीडियो में ई डेयरी आपको कल्चर्ड और फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। दोस्तों, कल्चर्ड मिल्क प्रोडक्ट्स दूध से बने वे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या कोई अन्य हार्मलेस बैक्टीरिया या ईस्ट की फर्मेंटेशन से बनते हैं, इसलिए इन प्रोडक्ट्स को फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है। योगर्ट, चीज, दही, केफिर, क्यूमिस और स्कैंडिनेवियन सोर मिल्क और फिल्म जॉक इत्यादि कल्चर मिल्क प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। कल्चर मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने में स्टार्टर कल्चर का अहम योगदान होता है। स्टार्टर कल्चर दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टिक एसिड के साथ साथ कई अन्य सब्सटेंस जैसे CO2, एस्टिक एसिड, डाई एसिटाइल, एसिटाइल्डिहाइड एक्सेट्रा भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि कल्चर मिल्क प्रोडक्ट्स के टेक्सचर, फ्लेवर और अरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने के कारण इन प्रोडक्ट्स की पीएच भी कम हो जाती है, यानी एसिडिटी बढ़ जाती है, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, जिसमें कल्चर मिल्क प्रोडक्ट्स का प्रिजर्वेटिव इफेक्ट बढ़ जाता है और इन प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। जैसा कि कल्चर मिल्क प्रोडक्ट्स में लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और इसके कारण कल्चर मिल्क प्रोडक्ट्स में लैक्टोज की मात्रा ना के बराबर रह जाती है और ये प्रोडक्ट लैक्टोज इंटॉलरेंस पीपल के लिए स्टेबल बन जाता है। कल्चर्ड मिल्क प्रोडक्ट्स की डाइजेस्टिबिलिटी भी मिल्क से काफ़ी अच्छी होती है। कल्चर्ड मिल्क प्रोडक्ट्स में बहुत अधिक मात्रा में हार्मलेस माइक्रोनिजम्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। कोई भी कल्चर्ड मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते समय सबसे पहले दूध को अच्छी तरह से प्रीहीट किया जाता है ताकि दूध में मौजूद कोई भी कॉम्पिटेटिव माइक्रोनिजम्स हो तो वो नष्ट हो जाएं। फिर सुटेबल टेम्परेचर पर उसमें स्टार्टर कल्चर ऐड किया जाता है। स्टार्टर कल्चर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी भी कर सकता है और उसके बाद उसे सुटेबल टाइम इंटरवल के लिए सुटेबल टेम्परेचर पर रख दिया जाता है। जब कल्चर मिल्क प्रोडक्ट्स सुटेबल फ्लेवर, अरोमा, अपीयरेंस और कंसिस्टेंसी पर पहुंच जाए तो उसे क्विकली कूल कर दिया जाता है और उसकी सुटेबल पैकेजिंग भी कर दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में ई डेयरी आपको एक एक करके सभी कल्चर मिल्क प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन के बारे में बताएगा। थैंक यू।